सबसे पहले एक बयान आपको सुना देते हैं और बता देते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं दीपक केसर सर, और आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे हैं, मीडिया से मुखातिब वो हो रहे हैं। हेलो, तो आपको कुछ सवाल पूछना होगा तो आप जरूर पूछिए, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ कि मेरी एक रिक्वेस्ट है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है महाराष्ट्र के, तो उनका ये कर्तव्य है कि आज जो दंगे चल रहे हैं महाराष्ट्र में, वो तुरंत एक बार वो कॉल करेंगे तो ये सब दंगे बंद हो जाएंगे, और ये उनका कर्तव्य है और वो बहुत ही कर्तव्य दक्ष मुख्यमंत्री है। तो हमारी उनसे विनती है कि ये जल्द से जल्द अपना जो मुख्यमंत्री का कर्तव्य है वो पूरा करें और महाराष्ट्र की जनता को रिलीफ दें। ओके, क्वेश्चंस। अब आप क्वेश्चंस पूछिए, एक एक करके पूछिए। आपण हे करू शकतो ना, कोणाला चूज करायचं नाही। हेलो दीपक सर, उर्वशी खोना दिस साइड फ्रॉम न्यूज एक्स एंड इंडिया न्यूज। सर आपसे आपसे दो चीजें, ये सवाल है, एक तो ये कि क्या आप अभी भी उद्धव ठाकरे को अपने हेड मानते हैं, बाला साहेब आपके नेता है, उद्धव ठाकरे आपके नेता है, या एकनाथ शिंदे आपके नेता है। दूसरा सर, ये जो नोटिसेस है इनको आप किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे, क्योंकि उनका ये कहना है कि शेड्यूल 10 के हिसाब से आपको किसी के साथ मत होती है। जब मुंबई कॉर्पोरेशन में अलग गुट बना था मनसे का, तो उनको अलग से गई थी, तो ये सब बातें होती रहती है, और जो भी अरेंजमेंट होगा, हम लोग मर्ज नहीं हो रहे। आपके सवाल का जवाब है कि हम किसी भी पार्टी में मर्ज नहीं हो रहे। तो आपको बता दें कि दीपक केसर सर को आप सुन रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस वो इस दौरान कर रहे हैं, और उनकी ओर से तमाम बयान भी जारी किए जा रहे हैं। जिस तरीके से महाराष्ट्र में सियासी संकट छाया हुआ है, शिवसेना के कई विधायक बागी हो गए हैं, तो उन्हें बागी विधायकों में से एक बागी विधायक दीपक केसर सर, अब वो अपनी आवाज बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं, मीडिया से वो मुखातिब हो रहे हैं और तमाम मुद्दों को लेकर के मीडिया के समक्ष अपनी बात और अपना पक्ष वो रख रहे हैं।